हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो पहले सीरीज में नेक्स्ट पजल में आपके लिए लेकर आई हूँ बॉक्स पजल। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका बॉक्स पजल, ठीक है? बॉक्स पजल। तो सबसे पहले आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसे विद इन 2 मिनट पॉज करके वीडियो आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, इसको दस बॉक्स अर्थात LMNOPQRSTRU तो 10 बॉक्स पजल है, उसमें 10 बॉक्स होंगे, ठीक है? ये सब एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में समान क्रम में, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है? नंबरिंग नहीं करेंगे, इसे डॉट बेस पे बनाएंगे, डॉट डॉट मतलब समूह बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले मैंने बताया था कि हम लोग कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं जिससे बारह क्वेश्चन ना रीड करने। तो कंडीशन नंबर लिखेंगे एम और एम के मध्य 3 बॉक्स, तो 3 बॉक्स बिटवीन एम एंड एम, 3 बॉक्स बिटवीन एम एंड एम। टी को एम के ठीक ऊपर रखा गया है, एम के ठीक ऊपर क्या है, टी। एन और आर के मध्य 2 बॉक्स रखे हुए, एन और आर के मध्य 2 बॉक्स रखे हुए, तो एन और आर के मध्य 2 बॉक्स इस तरह से मिलते हैं, ठीक? बॉक्स एन आर के या तो ठीक ऊपर या नीचे, तो एन जो है इस तरह से एन आर के ठीक ऊपर या आर के ठीक नीचे। बॉक्स एल क्यू के ठीक ऊपर है, क्यू के ठीक ऊपर बॉक्स एल इस तरह से। Q और M के मध्य 1 बॉक्स का अंतर है, Q और M के बीच कितने बॉक्स होंगे, 1 बॉक्स होगा, ठीक है? L और M के मध्य 3 से अधिक बॉक्स का अंतर है, तो L और M के बीच 3 से अधिक यानी कि 3 या 4 या 5 इस तरह के बॉक्स होंगे L और M के बीच। बॉक्स O S के ठीक ऊपर है, S के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है, O, ठीक है? बॉक्स पी को बॉक्स यू के नीचे और बॉक्स ओ के ऊपर रखा गया, ऊपर रखा गया है बॉक्स पी को यू के नीचे, तो यू के नीचे ये देखते हैं, यू के नीचे बॉक्स पी और ओ के ऊपर बॉक्स पी रहेगा इस तरह से, ठीक है? एम और ओ के मध्य कोई बॉक्स नहीं है, तो एम और ओ के मध्य कोई बॉक्स नहीं है ऐसे कब होगा, देखिए ओ के नीचे एस, तो ओ के नीचे यहाँ पे तो एम ही नहीं सकता, तो एम हमारा इधर होगा यहाँ पर इस तरह से बनेगा एम, क्योंकि एस के यहाँ पर ओ के नीचे एम नहीं हो सकता, तो एम और ओ के बीच में कोई बॉक्स नहीं है, वो इसी तरह से बनेगा। यू का सबसे सीरियस यानी कि जो 10th प्लेस होगा, जो 10वां बॉक्स होगा यहाँ पर यू नहीं होगा, ठीक है? 10वां बॉक्स यू नहीं हो सकता, ठीक है? हमारी कंडीशन नोट डाउन हो गई, हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एम और एम के मध्य 3 बॉक्स है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे एम और एम के बीच कहीं भी ऊपर नीचे रख लेते हैं, एम और एम 1 2 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है? एम और एम के मध्य 3 बॉक्स है, उसके बाद एम और आर के मध्य 2 बॉक्स है, और एम और आर क्या हो जाएगा, तो एम और आर के मध्य अगर नीचे लेंगे एम, अगर हम लोग आर नीचे लेते हैं एम दो छोड़कर आर, तो एम और आर जो है यहाँ पर वाली कंडीशन में हो जाएगी, तो हम लोग आर यहाँ पर जब लेंगे तो एम दो छोड़कर आर ये वाली भी सही हो जाएगी, ये वाली भी सही हो जाएगी, टी के जस्ट नीचे एम, तो टी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो हमारी ये कंडीशन हो गई। एम एक छोड़कर क्यू, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, एक छोड़कर क्यू यहाँ भी हो सकता है, तो हम लोग क्यू ऊपर इसलिए लेंगे जिससे हमारी ज्यादा प्लेस पर हो सके, ज्यादा प्लेस पर करने का मतलब ये होता है कि हमारी कम कंडीशन बनेगी, कम कंडीशन बनेगी तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर क्यू यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा तो हम लोग फिर
नीचे रखकर चेक करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ कर दो, ठीक है। अभी देखते हैं अभी कितने बॉक्सेस करेगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सेवन बॉक्सेस अभी खोलेंगे, ये तीन बॉक्सेस आएगा, ठीक है। तो अभी हमारी याली कंडीशन हो गई, याली हो गई एल के जस्ट नीचे के, एल के जस्ट नीचे के का होगा। तो हमारे 8 बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, अभी 2 बॉक्सेस और बचे हैं। एल और एम के बीच 3 से अधिक बॉक्स में, तो देखते 3 से अधिक 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो गए, याली की कंडीशन हो। उसके बाद ओ के जस्ट नीचे एस और एम के जस्ट नीचे ए, ओ के जस्ट नीचे एस, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारे 10 पूरे बॉक्सेस कंप्लीट होगा। एन के जस्ट नीचे ओ और ओ के जस्ट नीचे एस, यू के नीचे पी, पी के नीचे ओ, तो हमारी 2 प्लेस बची है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे यू, यहाँ पर रख देंगे पी, और यू हमारा कैसा है 10 प्लेस पे भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी पजल इस तरह से सॉल्व, ठीक है। इसी बेस्ट हमारे क्वेश्चन भी होते हैं, मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स का हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में, बैंक के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।